करना चाह रहा था, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत के बाद में जगह जगह उनकी शोक सभाएं भी हुई, क्या आज कहीं मंच पर वाजपेयी जी को कहीं आपको लगता है कि उनको याद किया जा रहा है, या उनकी कहीं तस्वीर लगी हुई है, या कहीं इस तरीके का कहीं नजर आया आपको वाजपेयी जी के बारे में? देखिए जुगल, कैमरा पर्सन मनोज को कहूंगा कि जो मंच पर फ्लैक्स लगा हुआ है उसके दाईं तरफ एक ऊपर अटल जी की तस्वीर लगी हुई है, और इसके जरिए बीजेपी अटल जी को याद करने की कोशिश भी कर रही है। और ये आप देखिए कि जब पहले अजमेर में जो कार्यक्रम हुआ था उसको अटल सभागार, अटल मंच नाम दिया गया था, और यही कारण है कि यहाँ पर अब बीजेपी के जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सभी में अटल जी की तस्वीर लगाई जा रही है, अटल भाजपा और अजय भाजपा का नारा दिया जा रहा है, जिससे लोगों में अटल जी के प्रति जो श्रद्धा भाव है उससे भी जुड़ाव हो, और पार्टी की जो रीति नीति है उसका भी पता चले कि अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उनकी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए पार्टी सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। अब पार्टी के नेता सक्रिय हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, लेकिन लोगों से उनका कितना सीधा संवाद हो पा रहा है, कितना मजबूती से संवाद हो पा रहा है, इसी के ऊपर सबकी निगाहें। बहरहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो जिला प्रभारी हैं शैलेंद्र भार्गव वो सक्रिय दिख रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, मंत्री जसवंत यादव, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। मंत्री जसवंत यादव अभी तक विधायक हैं बैरोड़ के, लेकिन अब वो विधायक के पिता की भूमिका में आना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र की पैरवी की और उनके पुत्र को टिकट भी मिल गया है। लेकिन जो सभी 11 सीटों का टिकट वितरण है दूसरी पार्टी के टिकट हैं, और बीजेपी के जो बगावती तेवर हैं कुछ नेताओं के, उन सब के ऊपर यहाँ के समीकरण निर्भर करते हैं कि इन 11 सीटों पर क्या परफॉर्मेंस रहेगी बीजेपी की। जाहिर तौर पर जैसा शशि मोहन ने बताया, आप सुन रहे हैं जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर शशि ने जो मंच पर दिखाई पड़ रही तस्वीरें हैं उसका भी रिफ्लेक्शन क्या होता है, और अभी तक अटल जी को लेकर बीजेपी की अपनी विचारधारा क्या रही है, और अब तो चूंकि अजय भाजपा अटल भाजपा का एक सिद्धांत लेकर भी चल रहे हैं, मंचों पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो एक अलवर का बड़ा मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मदन लाल सैनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जाहिर तौर पर इस पूरी रैली, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की हर कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि जिस तरीके का फिलहाल सियासी माहौल प्रदेश के भीतर बना हुआ है, बीजेपी अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही है। आप देखें कि 11 बड़े नाम ऐसे जिनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, शशि लगातार बड़े नेताओं से पूछते भी रहे हैं कि उनका क्या असर होगा, तो लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, असर तो नहीं होगा। मदन लाल सैनी ने भी कहा कि देखिए वो विचारधारा की लड़ाई है, वो निकल गए, कोई बात नहीं, हमारी जो चुनौतियां थी हम उससे पार पा लेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का ही है अपने आप में सबसे अहम कि क्या इस बार उतना अनुकूल माहौल है, या कहीं से ऐसा लगता है कि वॉकओवर दे रही है कांग्रेस पार्टी? एक कुछ गलियारे ऐसे तो लगते नहीं, क्योंकि आप टोंक में पूरी तरीके से आपका जो प्रत्याशी है वो कहता है कि साहब ना तो पूर्व प्रत्याशी है जिनका नाम चल रहा था वो खुश हैं और ना मैं खुश हूं, पार्टी का निर्देश था मैं आ गया। तो इस तरीके के कई हालात, अलवर की स्थितियों पर थोड़ा सा आकलन कीजिए कि क्या बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल है। जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा, शशि मेरे साथ हैं, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे अलवर जिले की जो 11 विधानसभा सीटें हैं, खासतौर से मैं बताना चाहूं जिस तरीके से भाजपा ने टिकट काटे उसके बाद क्या परिणाम आते हैं वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से यहां बागियों ने ताल ठोक रखी है वो भी कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे। अलवर की लगभग 5 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पूरा भाजपा के बड़े दिग्गज हैं जो प्रत्याशी के तौर पर दम भरते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने ताल ठोक रखी है, जिसमें राजस्थान में मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना जैसे हैं, अलवर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रहे देवी सिंह शेखावत हैं, और इसी तरीके से तिजारा में राजस्थान युवा बोर्ड के उप मंत्री रहे संदीप यादव हैं जिन्होंने ताल ठोक रखी है, जो संदीप दायमा के सामने खड़े हैं। इसी तरीके से जिले में 5 विधानसभाएं हैं जहां पर इस तरीके का विरोधाभास जो अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा सामने आ रहा है इसको लेकर भी अब कितना तब्दील हो पाता है, अभी इसी शशि से भी हम चर्चा करना चाहेंगे। शशि भाई, क्या लगता है अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में 5 विधानसभाओं में विरोधी बागी के तौर पर इस समय ताल ठोके बैठे?
देखिए, जब तक बीजेपी अपनी बगावत को शांत नहीं करेगी या जो वोट बागियों के पास जाने वाले हैं उसके अलावा दूसरे वोटों पर फोकस नहीं करेगी, तब तक बीजेपी की राह बहुत कठिन है। खासतौर से जिस तरीके से बांसूर और जो थानागाजी जैसी सीटें हैं, जिस तरीके से तिजारा का जिक्र आपने किया, तो पार्टी ने जिन लोगों को काफ़ी कुछ दिया वही लोग अब पार्टी के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत को यूआईटी का चेयरमैन बनाया, उनको बड़ा ओहदा दिया, लेकिन अब वो पार्टी के खिलाफ टिकट नहीं मिला तो नाराजगी आ गई। जब आप पहले विधायक नहीं थे तब भी पार्टी ने आपको सम्मान दिया, लेकिन तब आपने पार्टी को क्या दिया जी? इसी तरीके से जब थानागाजी जो सीट है वहाँ पर हेम सिंह बढ़ाना पूरे 5 साल मंत्री रहे, सरकार में शामिल होने वाले पहले गुर्जर मंत्रियों में वो शुमार थे, अब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो बगावती तेवर अपनाने लगे हैं। और इसी तरीके से तिजारा का आलम दिख रहा है, तिजारा में भी संदीप यादव को युवा बोर्ड में वाइस चेयरमैन बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब संदीप यादव भी बगावती तेवर। इस तरीके से अगर चलता रहा तो बीजेपी को काफी दिक्कत होगी। अब किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने उपचुनाव से पहले पार्टी में शामिल किया था, इसका कितना फायदा पार्टी ले पाएगी जी, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ उनके प्रभाव क्षेत्र वाला है, लेकिन जो विजय मीणा को टिकट दिया है, पूर्व विधायक समर्थलाल मीणा के जो पुत्र हैं, उनको किरोड़ीलाल मीणा कितनी मदद करेंगे जी? क्या वो उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके पक्ष में मतदान करा पाएंगे, इन सब चीजों के ऊपर देखना होगा, तभी इसका कुछ नतीजा आ सकता है। जिन एससी सीटों पर कठुमर पर अलवर ग्रामीण पर टिकट बदले हैं वहां भी जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनका कितना सपोर्ट मिलेगा, मंगलाराम कोहली और जो दूसरे लोग रहे हैं उन लोगों का समर्थन अगर नहीं मिलेगा पार्टी को तो पार्टी के लिए निश्चित रूप से देख सकते हैं। अभी हालांकि आने वाले समीकरण जो सामने होंगे मोदी जी की सभा के बाद में, अब यह तस्वीर कितना बदल पाती है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंचने वाली है और कार्यक्रम की लगभग अब शुरुआत होने वाली है। आशीष, अभी जुगल आपसे और शशि से हम लगातार बात करते रहेंगे, हमारे जो बाकी सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं पीएम मोदी की इस सभा के।